जनवरी में कड़ाके की सर्दी और गंगा का ठंडा जल, इन सब के बावजूद आस्था और मन में श्रद्धा लेकर भक्त हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर तड़के से ही गंगा स्नान शुरू हो जाता है और ठंड के बाद भी मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचते हैं। और इन सब को लेकर ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्र पुरी का ये कहना है कि पुराणों में उत्तरायण पर्व को विशेष स्थान दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर गंगा में स्नान करना और किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके तिल खिचड़ी और वस्त्र का दान करने का विशेष महत्व होता है और इससे हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि उत्तरायण का सूर्य सभी कष्टों का नाश करने वाला होता है। साल के पहले बड़े स्नान पर्व को लेकर कुंभ मेला पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। कुंभ मेला आईजी संजय कुंजवाल का ये कहना है कि इस बार साल का सबसे बड़ा पहला स्नान मकर संक्रांति के रूप में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा को देखते हुए शहर को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं मेले के दौरान शहर के यातायात को लेकर आईजी संजय गुंजवाल का ये कहना है कि शहर में आने वाले वाहनों के लिए जमगादड़ टापू में पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है और इसी के अलावा पावन धाम आश्रम के पास भी पार्किंग बनाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने शहर के यातायात को बनाए रखने के लिए रूट डाइवर्ट करने की भी बात कही है। दरअसल मकर संक्रांति स्नान पर गंगा स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं और साथ ही साथ कोरोना महामारी को देखते हुए कुंभ मेला पुलिस की ओर से लगातार श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि श्रद्धालु भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। उत्तरायण पर्व को विशेष जो है स्थान दिया हुआ है। जो भीष्म पितामह थे वो भी उत्तरायण पर्व के लिए बाणसिंहा पर लेटे रहे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण के अंदर जिसकी मृत्यु होती है वो उसका पूर्वजन्म पूर्व आगमन पृथ्वी पर नहीं होता है। अर्थात मकर जब संक्रांति होती है, सूर्य मकर राशि में आते हैं, तब उत्तरायण पर्व प्रारंभ हो जाता है और 6 मास तक उत्तरायण रहता है। इस 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि पर आएंगे तो उत्तरायण शुरू हो जाएगा। ये इतना बड़ा पर्व होता है कि सूर्य की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। इस दिन किया हुआ गंगा में स्नान वो उसी प्रकार से कहा जाता है, ये वार्षिक स्नान है। इसमें किया हुआ गंगा जी में स्नान वो आपको जो है शरीर से निरोगी काया, मन से चेतनता, आत्मा की शीतलता, ये आपको इस दिन स्नान से प्राप्त होता है। 2021 का सबसे बड़ा पहला स्नान पर्व हरिद्वार में मकर संक्रांति के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कोविड पैंडमिक के लिहाज से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को रखने की भी अपील की गई है और साथ में पुलिस की पूरी व्यवस्था के रूप में 7 जोन और 20 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि 5 पैरामिलिट्री कंपनीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया गया था वो भी यहाँ पर रिपोर्ट कर चुकी है और हमारे पास इसमें एनएसजी के कमांडोज और एंटीबाइन और बीडी स्कॉट और डॉग स्कॉट की भी अलग से तैनाती की जाएगी। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।